डियर स्टूडेंट्स, आज एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घोषणा होगी। ये घोषणा है सिक्स टॉपिक से संबंधित। हम लोग कई दिनों से 10 टॉपिक्स 8 टॉपिक्स 6 टॉपिक्स करते आ रहे हैं। ये पिछले कई महीने से चल रहा है, लेकिन अब इसे हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम इतना नहीं बच रहा है। देखिए, पिछले दिनों 2 दिनों की छुट्टी जो हुई, जो हम लोगों ने फेस्टिवल में 2 दिनों की छुट्टी ली, ये समय था ऐसा जिस पर हमने बहुत कुछ मेडिटेट किया, थिंक किया, सोचा कि किस तरह से बचे हुए दिनों में हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। अब टॉपिक्स को में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने का समय नहीं है। टाइम आपके पास है तो आप पेजेस दिए हुए हैं उनको आप रिवाइज करें, लेकिन हमारा मानना है कि इन टॉपिक्स में अब करंट अफेयर्स बिहार, ये 2 सेक्शन बहुत डेडली छूट रहा है। तो हमने अब ये डिसाइड किया है कि करंट अफेयर्स को आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर्स के एपिसोड्स रेगुलर आ रहे हैं और भी आएंगे। हम इसमें प्रयास करेंगे कि आपको सैचुरेट कर दें, इतने क्वेश्चंस हम लोग कर लें कि क्वेश्चंस मैक्सिमम हल हो जाएं। क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जब आपको एग्जाम में दिखेंगे तो 1 से शुरू होंगे, 10, 12, 14, 15, 25, 26, 27, 28 और शायद 30 लगातार क्वेश्चंस दिखेंगे। और ऐसे में अगर 2, 4, 5 क्वेश्चंस भी शुरू के नहीं बने तो फिर जो छठी इंद्रियां हैं वो घूमने लगती हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। तो करंट अफेयर्स अगर बनते चले गए, अच्छे तैयारी हो गई, अच्छे क्वेश्चंस बनते चले गए, तो फिर आपका वो टेम्परामेंट है वो काफ़ी इन्हांस हो जाता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, आप क्वेश्चंस को हल करने लगते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स को हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसे अच्छे से करें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स में बहुत कमज़ोर हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अब इसमें इतने बड़े सेक्शन में अगर आप केवल 8, 10, 12, देखिए कल 30 क्वेश्चन का सेट चला, अगर उसमें आपने 8, 10, 12 हल किए क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर से क्वेश्चन स्टैंडर्ड के होंगे, आप जान लें। सिर्फ ये नहीं कि इंडेक्स दिया हुआ है 142वां भारत का रैंक है, नहीं, पूछ दे सकता है अंदर में जाकर कि इस बार के इंडेक्स का थीम क्या था, इंडेक्स किसने जारी किया, इंडेक्स में इंडेक्स तैयार करने में किन किन मापदंडों को लिया गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस को टफ किया जा सकता है। आप 63वीं के क्वेश्चंस को देख लें जहां पर काफी नए पैटर्न्स को लागू किया गया और लड़कों को उसमें परेशानियां हुई जिनकी तैयारी कम थी। जो तैयारी जिनकी है, जो साल भर पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमें कोई बहुत चिंता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एक बड़ा चंक जो है इस स्टूडेंट्स का, जो ग्रुप है, ये करेंट अफेयर्स में अच्छे से तैयार नहीं है। इसलिए करेंट अफेयर्स और बिहार, अगेन देखिए बिहार में भी सब कुछ छूटा हुआ है। करेंट अफेयर्स है, बिहार का स्टैटिक है, जीके है, तो वो सेक्शन भी छूट रहा है। 15 क्वेश्चन वहां से भी होंगे, 14-15। तो इन 2 सेक्शंस पे हम प्रयास कर रहे हैं कि इस पे थोड़ा शिफ्ट करें और इस पे फोकस करें। इसमें भी टेस्ट सीरीज आएंगे और भी सारी चीज़ देखते हैं कितना कुछ हो पाता है। देखिए, हम जो आपको दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि यही एग्जाम में आएगा। हम जो टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हूबहू क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चंस मिलते जुलते आएंगे, कुछ क्वेश्चंस हूबहू भी आ सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है, आप ये न समझ लें। आज ही 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमें मैसेज किया कि क्या आपके करंट अफेयर्स की तैयारी से एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कोई भी ये चैलेंज नहीं कर सकता, इतना ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, हमने आपको जो इम्पॉर्टेंट अच्छे मैगजीन्स हैं उससे कलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। इतना अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल ये होगा, हेल्प मिलेगा आपको, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हीं एपिसोड्स के बेस पर एग्जाम जाकर दें। आप जहां और भी परस्यू करते हैं आप उन्हें परस्यू करें, अपने स्तर पे भी आप अपनी तैयारी जारी रखें। हम लोग 6 टॉपिक्स को अभी फिलहाल साइडलाइन कर रहे हैं, आप अपने स्तर पर जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, हम लोगों ने कर लिया है, आप इन्हें रिवाइज करें। अब इन्हें आप रिवाइज करें, मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ें। 1885 से लेकर 1947 तक आपको पूरा ध्यान लगाकर एक एक इवेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉर्ले मिंटो, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, 1918-19 का स्पेशल जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, ब्लैक जो काला कानून है वो आया, जानियावाला बाग मैसकर हुआ, ये सारा है। 1929, 30, 31, 32
ये 3 4 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 1940 से लेकर 47 मॉडर्न इंडिया से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आप बार बार पढ़ें, आजाद हिंद सरकार, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। तो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार और साइंस, ये 4 सेक्शन आपका एग्जाम पार लगा देगा। इन 4 सेक्शंस में अच्छी तैयारी हो अगर तब तो आप, जैसे इकोनॉमिक्स हम लोगों का काफी छूट रहा है क्योंकि इसमें करंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, हम लोगों ने किया है टॉपिक्स में और भी से करना है, इसे करंट से रिलेट होके करना है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड रहेंगे तो वो है, लेकिन 4 सेक्शंस हिस्ट्री, साइंस, बिहार और करंट अफेयर्स हमें अच्छे से करने हैं। तो इसे आप फोकस करें, हम लोग करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करेंगे, बिहार को भी कोशिश करेंगे कि अधिकतम जो पेनेट्रेशन है इस क्षेत्र में भी हो, और हिस्ट्री को बहुत अच्छे से रिवाइज कर जाएंगे। साइंस के क्वेश्चंस भी बनेंगे, साइंस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, उसमें भी जहां तक संभव होगा हम लोग आगे भी करेंगे। 1 मंथ जो अब है ये बहुत निर्णायक है, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स रेगुलर बनाना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जब आप सेट्स बनाते हैं तो आपकी चिंताएं बढ़ती हैं, और जब चिंताएं बढ़ेंगी तो काम होगा, काम होगा तो रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग अभी 6 टॉपिक्स को रोक रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों ने पढ़ा है पहले उसी को रिवाइज करना है और करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना है। हमने पिछले एपिसोड में करंट अफेयर्स पे आपको बताया है कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। जून से लेकर दिसंबर महीने तक के जो सारे कंटेंट्स हैं बहुत अच्छे से हमें कर लेना है, और बिहार से रिलेटेड जो कंटेक्स्ट है उसको भी देखना है, इसलिए ये दोनों मिलाकर ही 45 से 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यहीं पर हम रोकेंगे आज के इस एपिसोड को, ये कहते हुए कि 6 टॉपिक्स अब नहीं होंगे लेकिन करंट और बिहार का बहुत अच्छे से होगा। तो आप लोग भी इसे ध्यान दें क्योंकि ये निर्णायक है, अपना ध्यान रखें और इसे 1 महीना में अपना सर्वस्व निछावा कर दें। ये 1 महीना बहुत बड़ा निर्णय देगा, बहुत बड़ा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये आपकी तैयारी में एक जंप देगा। इसमें 1-2 दिन भी आपको अब इधर उधर में नहीं गुजारना है, पूरा फोकस्ड होकर तैयारी में लग जाना है। इस एग्जाम को हमें निकालना है, चूंकि सीटें अधिक हैं, आपके जो सफलता है उसका प्रतिशत बहुत अधिक होगा, सफल होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। यहीं पर आपसे विदा लेंगे, एक नए एपिसोड के साथ फिर आएंगे। अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, टेक केयर।